हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मान लीजिए कि आप ऑफिस के लिए लेट होते हो और आपको अपने बॉस को बोलना है, सॉरी सर, मेरा अलार्म नहीं बजा इसीलिए मुझे लेट हो गई। यही बात अगर आपको इंग्लिश में कहनी हो, और स्पेशली ये वाला पार्ट, मेरा अलार्म नहीं बजा, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सो आप इस वीडियो में यही सीखेंगे कि अलार्म बजना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये समझिए, जो अलार्म बजना है इसको इंग्लिश में कहते हैं अलार्म गोज ऑफ। अब इसमें गोज ऑफ क्यों है? देखो, गोज ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ सडनली स्टार्ट होना। अब ये किसी भी केस में हो सकता है। अगर किसी की गन एकदम चल जाए तो आप कहोगे कि हिज गन सडनली वेंट ऑफ। ओके, तो इंग्लिश में हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में अलार्म बजना को अलार्म गोज ऑफ ही कहते हैं। ऑलराइट, अब इसके कुछ सेंटेंसेस समझते हैं। अच्छा, अब आपको अगर ये कहना हो मेरा अलार्म 7:30 बजे बजा, 7:30 बजा, ओके, माय अलार्म वेंट ऑफ एट 7:30, तो गोज ऑफ इसका पास्ट हो जाएगा वेंट ऑफ। ओके, सॉरी सर, मेरा अलार्म नहीं बजा इसलिए मुझे देर हो गई। सॉरी सर, माय अलार्म डिडंट गो ऑफ दैट्स व्हाई आई गॉट लेट। ये अलार्म 10 बजे बजेगा, दिस अलार्म विल गो ऑफ एट 10 o'clock। अगर तुम्हारा अलार्म बजता है तो उसे बंद कर देना। इफ योर अलार्म गोज ऑफ टर्न इट ऑफ, तो गोज ऑफ मैंने वही अलार्म बजना एंड टर्न ऑफ का मतलब ही बंद करना होता है। ओके, मैं क्लास में था जब मेरा अलार्म बजा, आई वॉज इन क्लास वेन माई अलार्म वेंट ऑफ। ऑलराइट, एंड फाइनली वी हैव दिस सेंटेंस, मैं आमतौर पर अपने अलार्म बजने से पहले ही उठ जाता हूं, सो आई यूजुअली वेक अप बिफोर माई अलार्म गोज ऑफ। सो ये था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अब आप इसे अपने इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।